यार एम एस सिविल सिक्योरिटी स्कूल में आपका स्वागत है और मैं मैथ्स में मल्टीप्लाई बेसिक मैथ में चल रही है अपन मल्टीप्लाई चल रही है और कल मैंने आपको बताया था टेबल टू और थ्री की मल्टीप्लाई से आज दो टेबल लेंगे फोर और फाइव की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए टेबल लिख रहा हूँ एक टेबल और वन जा फोर और टू जा एट और थ्री जा ट्वेल्व और फोर जा सिक्सटीन और फाइव जा ट्वेंटी और सिक्स जा ट्वेंटी फोर और सेवन जा ट्वेंटी एट और एट जा थर्टी टू और नाइन जा थर्टी सिक्स और फोर टेन जा फोर्टी। जो ये टेबल है अपनी फोर की टेबल लिखा फोर की टेबल से ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए टू थ्री फोर थ्री डिजिट है और फोर से मल्टीप्लाई करें, ये फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फोर को फोर बार यानी फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा ट्वेंटी, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन इतना सिक्स आ गया और ये जो वन कैरी है वो यहाँ लगाए। अब फोर की टेबल कितनी बार बोलेंगे? थ्री टाइम्स। फोर की टेबल थ्री टाइम्स बोलेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व और वन थर्टीन। तो ये थर्टीन का क्या आएगा? थर्टीन हो गया और थर्टीन का थ्री और ये वन है वो यहाँ एक कैरी में आ जाएगा। इसी तरह ये टू फोर की टेबल टू में करेंगे तो फोर टू जा एट और ये वन के लिए वो नाइन। इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर की टेबल में कर सकते हैं। और फिर देखिए सेकंड में फोर फाइव सिक्स, इसकी मल्टीप्लाई फोर से कर रहे हैं, वही नियम है अपना, फार्मूला वही रहेगा कि फोर को कितनी बार बोलेंगे? सिक्स बार, यानी सिक्स टाइम्स बोलेंगे कितना आएगा? ये देखो सिक्स टाइम है तो फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फोर, फोर का फोर आ जाएगा यहाँ और टू है वो यहाँ आ जाएगा फाइव के ऊपर। और फिर इसमें बोलेंगे फोर की टेबल कितनी बार बोलेंगे? फाइव बार, तो ये देखो फाइव, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ये ट्वेंटी ए और टू ए, ट्वेंटी प्लस टू कितना हो गया? ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू का टू और ये वाली जो केरी है वो यहाँ आ जाए। और फोर की टेबल कितनी बार बोलेंगे? फोर टाइम्स, तो इसी तरह ये फोर टाइम्स बोलेंगे तो फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन तो ये और टू केरी है तो कितना हो गया? एटीन, तो ये 18 का 18। इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 5 की टेबल देखिए, एक दिन में हम दो दो टेबल करेंगे और दो दो टेबल करने के ऊपर आपका मल्टीप्लाई भी वन डिजिट से चल रहा है। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा 35, 5 एट जा 40, 5 नाइन जा 45, 5 टेन जा 50। ये अपने पास की टेबल आ गई।
और टेबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में ले रहे हैं मान लीजिए 4, 5, 6 और मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं। जैसे 4 की जैसे लिए थे वैसे ही हम 5 की ले रहे हैं, और 5 से कैसे करेंगे, 5 को सबसे पहले कितनी बार बोलेंगे, 6 बार, 6 टाइम्स बोलेंगे, तो 6 टाइम्स करेंगे, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 25 5 5 6 30 और 30 का क्या है, 30 का क्या है 0, और ये 3 है वो कैरी में आएगा, ये 3 किस में आ गया, कैरी में आ गया। इसी तरह हम 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, 5 5 25, ये 25 ये और कैरी कितनी है 3, तो कितना हो गया 28, 28 का 8 आ जाएगा और 2 यहाँ कैरी में आ जाएगा। अब देखिए 5 की टेबल कितनी बार, कितना टाइम्स करेंगे, 4 बार, 5 5 4 जा, ये देखो 5 4 जा 20, और 20 में कितना ऐड करें, 2 वाला ये कैरी वाला, तो कितना गया 22, तो 22 आ जाएगा। इस तरह आप 5 की टेबल भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए आपको दे रहा हूँ, आप घर पे एक्सरसाइज करिए बेटे बेटे, होमवर्क मान लीजिए आप, ये 4 5 6 7 ये कितना टाइम हो गया, 4 बार और 3 6 9 4 4, अब 5 की टेबल में देखिए 4 3 6 5 और ये 2 4 6 8, ये 5। अच्छा बच्चों, टेबल को हम 4 की और 5 की टेबल से अब मल्टीप्लाई किए, अगले दिन नेक्स्ट डे हम आपको 6 और 7 की टेबल लेके आएंगे। थैंक्स।